नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का ये वीडियो बड़ा ही खास है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इसमें हम समरी स्टडी करेंगे क्लास टेंथ के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग लेसन मैडम राइड्स द बस। इसके राइटर हैं वली कन्नन। ये कहानी है 8 साल की बड़ी प्यारी सी बच्ची वली की, जो अपने घर में अपनी माता जी के साथ रहती है। दोपहर में जिस समय उसकी माताजी सो जाती हैं, बाहर सड़क पर एक बस को रोज जाते हुए देखती है और थोड़ी देर बाद वापस आते हुए भी देखती है। हर दिन बस में बैठे हुए नए नए लोग, नए नए चेहरे, नए नए बच्चे, इन्हें देखकर वो बड़ी खुश होती है और ऐसा सोचती है कि एक दिन वो भी इस बस पर सवारी करेगी। वो ये भी जान लेती है कि एक तरफ से 30 पैसे का टिकट है और 30 पैसे में ही इस बस से वापसी होती है उसके घर तक। लेकिन उसके लिए 30 पैसे भी बहुत हैं, इसलिए वो एक एक पैसे को जोड़कर 60 पैसे इकट्ठे करती है और एक दिन बस में सवारी करती है। जब वो बस पे चढ़ रही होती है, कंडक्टर उसे बड़े ही इज्जत और बड़े ही प्यार से बैठाता है और बार बार मैडम कहता है। इस बात से वो चिढ़ती भी है लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी होती है। रास्ते भर वो खिड़की से बाहर शहर में लोगों को देखती जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, पेड़ों को, सड़क को, लोगों को, और ये सब उसे खुशी देते हैं क्योंकि इस दिन का इंतज़ार वो बहुत लंबे समय से कर रही थी। जब वो आखिरी स्टेशन पर पहुँचती है, जहाँ बस कुछ देर के लिए रुकती है और 1:40 पर वापसी होनी है बस की, तो कंडक्टर उससे कहता है कि वो बाहर जाकर दुकान से कुछ खा पी सकती है, लेकिन वो कहती है उसके पास पैसे नहीं। कंडक्टर चूँकि बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा ही हंसमुख है और दिल का बड़ा साफ है, वो ये भी कहता है मेरी तरफ से तुम कुछ ले सकती हो खाने पीने का, लेकिन वो सख्ती से मना कर देती है। जब वो वापस लौटकर अपने घर आती है, बड़ी खुश होती है, तब तक उसकी माँ उठ चुकी होती है और उसकी आंट से बात कर रही होती है। उन दोनों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो कहाँ होकर आई है। उसकी माँ केवल एक बार पूछती है वो कहाँ गई थी, और उसका जवाब सुने बगैर वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। वल्ली बहुत खुश होती है। एक छोटी सी दुर्घटना ज़रूर होती है रास्ते में, जब वो लौट रही होती है तो एक गाय देखती है जो बस के टक्कर से मर चुकी होती। इस बात से उसे बड़ा दुख भी होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एक छोटी सी यात्रा उसे ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है कि कुछ भी हमारे अपने हाथ में नहीं है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, इसलिए हमें हमेशा ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें संजीव को।